जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, और आपसे गुरु महाराज यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब संगत पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा, अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना और इस महामारी से जल्द ही हम लोगों को छुटकारा दिलवाना। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं अब आपसे अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। वैसे पिछले सत्संग में मैंने आपसे बताया था कि मैं गुरु महाराज से किस तरह जुड़ी, तो पर जिन संगत को नहीं पता तो मैं एक बार उनको फिर से बताती हूँ। हमारी फैमिली में सबसे पहले मेरे मासी जी, जो कि दिल्ली में रहते हैं, वो गुरु जी के साथ जुड़े। उसके बाद उन्होंने मेरी मम्मा को गुरु जी के बारे में बताना शुरू किया और धीरे धीरे करते करते मेरी मम्मा भी गुरु जी से जुड़ गए। फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने हम तीनों सिस्टर को गुरु जी के साथ जोड़ा। तो मेरी गुरु जी के साथ जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि ये गुरु जी से जुड़ने से कुछ टाइम पहले की बात है। मेरा बेटा तब 10 महीने का था। उसको मतलब बहुत ज्यादा फीवर हुआ था और वो उसके ब्रेन में चढ़ गया था। तो हम लोगों ने मैं अपनी मम्मा के पास गई हुई थी, राखी आने वाली थी, तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ अपनी मम्मा के पास गई हुई थी। तो जैसे इसको फीवर पहले से ही आ रहा था, तो उस टाइम जैसे बच्चे टीथ निकालते तो हम लोगों को ये लगा कि शायद ये उस वजह से इसको लूज मोशन हो रहे हैं या उसको फीवर हो रहा है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट भी कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि जैसे बच्चे को टीथ आते हैं तो फीवर वगैरह हो जाता है। तो ऐसे करते करते मेरी सिस्टर कहती कि चलो चलना है राखी पे। तो पहले तो मैं उनको बोल रही थी कि नहीं जाना, तो फिर वो कहते कोई बात नहीं, वहां चलेंगे और देख लेंगे हम। तो वहां गए, तो जैसे हम सैटरडे को पहुंचे तो संडे को मॉर्निंग में मेरे बेटे को मतलब फीवर जो था उसके ब्रेन में चढ़ गया। तो जैसे डॉक्टर के पास मेरी मम्मा ही उसको लेकर गए, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था। तो डॉक्टर ने जब उसको चेक किया तो उन्होंने बोला कि इसको फीवर 107 है जो इसके ब्रेन में चढ़ गया है, और अब वो वाला हाल है कि मतलब बचना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। तो संगत जी, मम्मा ने ये सुना, मतलब मम्मा का भी मतलब मन जैसे कहते टूट गया कि मतलब ये क्या हो गया कि मेरी बेटी मेरे पास आई है और उसके बेटे के साथ ऐसा कैसे हो गया, जबकि फीवर उसको हो रहा था। मतलब हम लोगों को ये नहीं पता था कि फीवर उसको अंदर से इतना ज्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने जैसे उसका बर्फ के पानी से उसकी पट्टियां कर करके उसका फीवर उतारा, और फीवर उतारने के बाद वो 25 दिन हॉस्पिटल में रहा। और उसके बाद जब उसने डिस्चार्ज किया डॉक्टर ने, जो यमुनानगर का डॉक्टर था, तो उसने बोला कि अभी आपको इसका ध्यान रखना है और आप आगे लुधियाना जाके इसका सीएमसी में ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए। तो जैसे मैं उसके राखी के बाद, हमारी राखी तो हॉस्पिटल में ही निकली और वो हमारी सबसे वर्स्ट राखी थी। तो उसके बाद मैं लुधियाना आ गई और यहाँ पे नेक्स्ट डे इसका सीएमसी में मैंने इसका सारा इसकी केस हिस्ट्री बता के इसका कार्ड बनवा लिया। और उसके बाद वो रोज कभी जैसे उन्होंने जैसे जो वहां पर मम्मा के पास जो डॉक्टर था उन्होंने इसकी ईईजी वगैरह सब कुछ कर रखी थी, पर फिर भी यहाँ पे उन्होंने दोबारा से करी और उसका फिर उन्होंने बोला कि हम इसका जो जितने भी टेस्ट वगैरह हैं वो हम सब दोबारा करेंगे और इसकी एमआरआई भी करनी पड़ेगी। तो 10 महीने की बच्चे की एमआरआई, मतलब मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि एमआरआई जो है वो नाम सुन के ही डर लग जाता है कि एमआरआई वो भी इतनी छोटे बच्चे की करनी पड़ेगी। तो पर फिर भी मतलब हमें करवानी थी, जरूरी थी बच्चे के लिए, तो हमें वो भी करवानी पड़ी। और मेरा बेटे का ढाई साल उसका ट्रीटमेंट सीएमसी चलता रहा, पर उसकी प्रॉब्लम उनको भी समझ में नहीं है कि इसको फीवर क्यों जाता है, क्योंकि जैसे उसके रेगुलर टेस्ट वगैरह करने के बाद जितने भी उन्होंने टेस्ट करे थे वो हमने दोबारा करवाए, एमआरआई भी कराई, और एमआरआई की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, उसमें कुछ भी नहीं आया कि इसको क्या है क्या नहीं, और उन्होंने ब्लड कल्चर वगैरह सब कुछ करके देखा, रिपोर्ट सबकी नॉर्मल। तो उसके बाद जैसे इसको हम मतलब जैसे रेगुलर इसका चेकअप चलता रहता था कि रोज ही मेरे को जाना होता था, जैसे आज गए एक दिन छोड़ा फिर अगले दिन फिर जाना पड़ा, और मेरी बेटी भी थी तब 5 साल की, वो तो उसको स्कूल भेज के, मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाते थे, उसको स्कूल भेज के, तो मैं 9 बजे मेरी अपॉइंटमेंट होती डॉक्टर के साथ, तो मुझे 9 बजे सीएमसी पहुंचना होता था, वहां वेट करते ये टेस्ट वगैरह करवाते करवाते मैं 2:30 बजे वहां से घर आ पाती थी, और उसके बाद बेटी ने स्कूल से आ जाना, उसको भी देखना। तो 2 बच्चों के साथ मुश्किल तो हुआ, क्योंकि उस टाइम किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, तो पर अब चलो उस टाइम करना था, बच्चे के लिए तो करना ही था। तो फिर उसके बाद
जब पता लगा तो जैसे मेरे बेटे को बीच बीच में फीवर फिर हो जाता था और उसको फिर से आ जाते थे, इसको फिर से आते थे। तो उसके बाद उन्होंने फ्रीजियम एक टेबलेट दी हुई थी, छोटी सी फ्रीजियम जो बच्चों को देते हैं वो दी हुई थी। उन्होंने बोला इसको जब भी फीवर आए ये इसको जरूर देनी है। तो उसके बाद जैसे इसका ट्रीटमेंट चलता रहा, मैं उसको बार बार डॉक्टर्स को यही पूछ रहा कि इसको फीवर क्यों हो जाता है, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता था कि इसको फीवर क्यों हो जाता है। तो मतलब हम लोग इतने परेशान हो चुके थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था, सब टेस्ट भी करा लिए थे, समझ ही नहीं आता था इसको क्यों ये प्रॉब्लम हो जाती है। उन्होंने बोला कि जैसे इसको एक बार 99 फीवर में भी इसको फिट्स आ गए, तो जैसे हम लेकर गए इसको हॉस्पिटल तो हमने बोला कि अब इसको तो फीवर 99 है तो अब इसको फिट्स क्यों आ गए। तो जैसे उन्होंने बोला कि आपको इसको 99 भी फीवर नहीं आने देना। तो मैं रात को उठ उठ के पागलों की तरह उसको देखते रहना, उसको फीवर तो नहीं हो गया, अगर वो मतलब वैसे भी सो रहा है ना ठीक से जैसे बच्चा सोता है, तब भी उसको चेक करते रहना कि उसको फीवर तो नहीं है, कहीं वो ऐसे ही बुखार में तो नहीं पड़ा हुआ है। उस टाइम हालत पागलों जैसी हुई हुई थी, तो फ्रस्ट्रेट भी बहुत हुई थी। तो मेरे मम्मा तब गुरुजी के साथ जुड़ चुके थे, तो वो मेरे पास आए और गुरुजी का स्वरूप लेकर आए। तो उन्होंने बोला बेटा आप इनको मतलब मानो, इनकी मतलब इनको बहुत लोग मानते हैं और मतलब गुरुजी जो हैं वो वाकई में मिरेकल करते हैं। तो मैं उस टाइम फ्रस्ट्रेट थी, मैंने बोला कि मम्मा नहीं, मैं ऐसे हम लोग गुरु को नहीं मानते, आप किसी ना किसी गुरु को आप कैसे मान सकते हो। तो मम्मा बोले आप, अब मैं स्वरूप ले आई हूँ आप रख लो। तो मैंने वो मम्मा ने जो स्वरूप दिया मैंने मतलब मन से नहीं रखा, आप देखो आप गुरुजी मुझे अपने से जोड़ना चाह रहे हैं और मैं बेवकूफ उनको कह रही हूँ कि नहीं मेरे को ऐसे मतलब गुरुजी को नहीं मतलब मानना। तो मैंने बोला कि चलो अब आप लेकर आए, तो मैंने रख लिया मंदिर में उनको ऐसे ही रख लिया। तो जैसे जोत जगाती थी मैं तो वैसे ही जोत जगा के, मुझे नहीं पता था कि क्या करना होता उस टाइम, वैसे भी मतलब फ्रस्ट्रेट इतनी थी कुछ करती ही नहीं थी, माथा भी टेका नहीं टेका। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई, थोड़ा मन शांत होने लग गया। उसके बाद मेरी मम्मा ने हमें हम सबको, हम सिस्टर्स को और हम मतलब मेरी पूरी फैमिली को, बेटे को बेटी को और मेरे हस्बैंड को, सबको वो मम्मा मेरे छत्रपुर लेकर गई, कहते हम छत्रपुर चलते हैं। तो मैंने कहा कि बेटा ऐसे बीमार रहता है तो ऐसे सफर करना मतलब ठीक नहीं है उसके लिए। तो मम्मा कहते तुम चलो, तो मैंने उसकी सारी मेडिसिन पर्स में डाल ली, और क्योंकि डॉक्टर ने बोला था इसकी मेडिसिन जरूर साथ में रखनी है, तो मैंने उसकी सारी मेडिसिन पर्स में डाल ली और हम मंदिर के लिए चले गए। हम बस में गए थे यमुनानगर से, तो हम लोग छत्रपुर पहुंचे मंदिर में, और जैसे मंदिर में हमने पैर रखा और ऐसा लगा जैसे हम हेवन में आ गए हैं, बहुत शांति मिली। और अंदर मैंने देखा सारा गुरुजी का आश्रम, बहुत अच्छे से घूम घूम के देखा, मतलब बहुत अच्छा लगा गुरुजी का आश्रम। तो मन करता था मतलब उस टाइम मन किया कि यहीं रह जाओ। फिर उसके बाद मम्मा हम गुरुजी का लंगर प्रसाद अपने बेटे को वहां से करवा के आए, मतलब हम पूरी फैमिली खा के आए और मेरे बेटे को भी खिलाया। और जब हम वहां से आए गुरुजी के मंदिर से, उसके बाद से मेरे बेटे को मतलब कभी वो दोबारा फिट्स नहीं आए, जैसे वो पहले उसकी कंडीशन खराब हो जाती थी वैसा दोबारा कभी नहीं हुआ। और मतलब जैसे अब भी उसको फीवर होता है पर वो नॉर्मल फीवर होता है, कि मतलब मुझे उसके लिए उसको कुछ अलग से मेडिसिन नहीं देनी होती, ऐसी पैरासिटामोल जैसे नॉर्मल बच्चों को देते हैं वैसे ही। और अब देखिए आप कि अब मेरा बेटा, जबकि डॉक्टर ने बोला था कि 5 इयर्स तक इसका ध्यान रखना है, मैं जब से गुरुजी के बड़े मंदिर से उसको लंगर प्रसाद करवा के आई हूँ, शायद वो तब 3 साल का होगा, और आज वो 5 साल का है और उसको दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना कि गुरु महाराज ने उसको उसका ये कष्ट कटवा दिया, वरना इतने छोटे बच्चे को डॉक्टर के पास ले लेके जाना इतनी धूप में, वो भी अकेली लेडीज के लिए बहुत मुश्किल होता था। आपको पता है कि जिससे अकेली लेडीज को बच्चे के साथ जाना और रोज जाना, लोग तरह तरह की बातें करते पर हमें अपने बच्चे के लिए करना था। तो उस टाइम में ये था कि जैसे किसी ने भी साथ नहीं दिया, पर मेरे मम्मा और मेरी बड़ी सिस्टर वो मुझे जब भी जरूरत पड़ती, मेरी सिस्टर जैसे हॉस्पिटल में जॉब करती है, वो मुझे मतलब मैं उनको जब भी उनको बुलाना वो आ जाना, अपनी चाहे उनको जॉब छोड़ के आना पड़े वो उसी टाइम आ जाते थे। मेरी मम्मा जैसे उनको आने में थोड़ा टाइम लगता है तो उससे पहले मेरी बड़ी सिस्टर मेरे पास आ जाते थे, क्योंकि वो जलंधर में है तो उनको पास पड़ता है तो वो आ जाते थे। तो फिर उसके बाद खैर हमें जरूरत ही नहीं पड़ी जब से हम गुरु महाराज का लंगर प्रसाद इसको करवा कर लाए हैं। और वाकई में गुरु जी के लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद में, जल प्रसाद में इतनी शक्ति है कि कितने रोग उससे कट जाते हैं, कितने कष्ट हमारे खत्म हो जाते हैं, ये हम लोगों को पता है। पर ये ब्लेसिंग्स जो हैं वो सिर्फ मतलब गुरु महाराज के लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद
और जैसे गुरु महाराज ने कहा है ना कि अगर यहाँ पर खाओ तो वो दवाई है, अगर घर जाकर खाओ तो ये मिठाई है। और ये संगत जी बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि देखिए मैं वहां से गुरु जी महाराज जी का लंगर प्रसाद ही अपने बेटे को खिलाकर लाई हूँ, और उसके अलावा देखो कोई भी मेडिसिन वगैरह हम उसको अलग से कुछ नहीं देते हैं। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी अब मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करती हूँ जो कि पिछले लॉकडाउन का है। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था, फरवरी में लगना शुरू हुआ था, तो उस टाइम जैसे अब हम अपने बेटे का ट्रीटमेंट कराते कराते मतलब हमारी सेविंग हमारी जितनी भी थी हमारी खर्च हो चुकी थी, इवन हमें लोन वगैरह भी लेना पड़ा था। तो उसके बाद हमारे पास जैसे सेविंग नहीं थी, लॉकडाउन लग गया, जैसे ही अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन लग गया और इतने दिन का लगा है, हम लोग बहुत परेशान हो गए। तो एक दिन रात को मेरे हस्बैंड बोले कि अब जैसे हमने दूध वगैरह का बिल भी दे दिया है, बच्चों की फीसें भी हम लोगों ने डिपॉजिट करा दी हैं, सेविंग अब इस टाइम है नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है, तो वो बोले कि अब हम क्या करेंगे कि जैसे राशन वगैरह भी डलवा लिया। आपको पता है एक फैमिली मेंबर्स के लिए मतलब घर में राशन होना बहुत जरूरी है, जब लॉकडाउन वगैरह लगा पता है, तो उसके लिए हमें पहले से ही मतलब सब कुछ स्टोर करना होता है। तो हम लोगों ने वो भी स्टोर वगैरह भी कर लिया, राशन वगैरह डलवा लिया। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अब सेविंग तो और है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे क्योंकि अब जॉब वगैरह पे भी नहीं जाना है। तो मैंने बोला कि गुरु महाराज अपने आप देखेंगे, जब सब कुछ वही देख रहे हैं तो वही देखेंगे। मतलब मैं कहकर और रात को गुरु जी से प्रार्थना की, मैंने कहा गुरु जी अब मैंने बोल दिया है, अब आपने ये देखना है, क्योंकि देखो आप अपने बच्चों की हर बात जानते हो और आप उनकी हर मैसेज चेक कर रही थी, क्योंकि नॉर्मली हम जो लोग टेक्स्ट मैसेज होते हैं वो चेक नहीं करते, तो मैं वैसे चेक कर रही थी। उसमें मैंने देखा कि मेरे बैंक से एक मैसेज आया हुआ है, तो मैंने वैसे ही चेक किया तो उसमें देखा कि मेरे अकाउंट में 4,000 रुपीज आए हैं। तो मैंने कहा मेरे अकाउंट में 4,000 रुपीज किसने डाले हैं? तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, अपने मदर इन लॉ को भी दिखाया कि देखिए मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, तो ऐसे इस नाम से आए हैं। तो मेरे मम्मा बोलते मदर इन लॉ बोलते किसी से गलती। संगत जी आज यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो बीच में वीडियो इंटरप्ट हो जाता है, उसके लिए बहुत बहुत माफी मांगती हूँ आपसे हाथ जोड़कर। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने भी वो मैसेज चेक किया, तो मेरे मदर इन लॉ बोले कि ऐसे कल को कोई अगर बोलेगा तो ऐसे कोई बात होगी। मैंने बोला कि ये गुरु महाराज ने दिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि गुरु महाराज हमारी हर प्रॉब्लम को सुनते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं और वो जानी जान है। तो मैंने कहा अभी हम यूज कर लेते हैं, बाद में जब जिसका फोन आएगा हम लोग उसको वापस कर देंगे, अभी फिलहाल हमें जरूरत है तो हम यूज कर लेते हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, आज तक किसी का फोन नहीं आया। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु महाराज जानते हैं कि किसको किस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालना है, वो गुरु महाराज जानते हैं। और वो भजन है ना कि हर मुश्किल ना हल गुरु जी है, हर मुश्किल ना हल गुरु जी है, कल भी गुरु जी सी आज भी गुरु जी है, हर मुश्किल दा हल गुरु जी है, कल भी गुरु जी सी आज भी गुरु जी है। ऐस दे हुकम नाल काम होन सारे, ऐस दी रजा बिन कौन है जो मारे, ऐस दे हुकम नाल काम होन सारे, ऐस दी रजा बिन कौन है जो मारे, संगता दरा खा हर पल गुरु जी है, कल भी गुरु जी सी आज भी गुरु जी है, हर मुश्किल दा हल गुरु जी है, कल भी गुरु जी सी आज भी गुरु जी है। आप ही समेट दाए आपे खेड़ा पावे, असी नादान सानू समझ नावे, आप ही समेट दाए आपे खेड़ा पावे, असी नादान सानू समझ
समझ नावे, होने वाली जाने हर गल गुरु जी हैं। आज भी गुरु जी सी, कल भी गुरु जी हैं। हर मुश्किल दा हल गुरु जी हैं। कल भी गुरु जी सी, आज भी गुरु जी हैं। कल भी गुरु जी सी, आज भी गुरु जी हैं। कल भी गुरु जी सी, आज भी गुरु जी हैं। जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, वाकई में गुरु जी हर मुश्किल का हल है, चाहे वो मुश्किल कितनी ही बड़ी से बड़ी क्यों ना हो। बस गुरु जी के सामने अरदास करो और वो उस मुश्किल का कोई ना कोई हल निकाल ही देते हैं, और हम लोगों को उस मुश्किल का कोई ना कोई हल दिखाई देते हैं। और संगत जी, अभी मैं आपसे एक अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी जो कि कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ। सॉरी संगत जी, आज मेरा थोड़ा गला खराब है, तो मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करती हूँ कि कुछ दिन पहले मुझे ड्रीम आया कि ये मॉर्निंग का ड्रीम था कि मेरी बेटी को मैंने ड्रीम में देखा कि दो स्नेक, जो फन वाले सांप होते हैं वो देखे, जो बिल्कुल इस टाइप में, मतलब जो होते हैं स्नेक, वो दोनों मेरी बेटी के एक ही लेग पर उन्होंने 3-4 बार काटा। उस ड्रीम में सिर्फ मैं और मेरी बेटी है, मतलब जो ड्रीम में अभी देख रही हूँ। तो मैंने अपनी बेटी को जैसे देखा कि उसको दो स्नेक एक ही जगह पर 3-4 बार काट चुके हैं। तो सबने मुझे बोला, जो मतलब मेरे आसपास लोग हैं, मैं नहीं जानती वो लोग कौन है, मतलब मुझे उनकी आवाजें आ रही हैं कि इसको डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी बेटी को गोदी में उठाकर लाती हूँ और उसको गुरु जी के स्वरूप के सामने उसको लिटा देती हूँ। और मैं उसके बाद क्या करती हूँ कि मैं बाहर जैसे रोड होता है, मैं वहां पर खड़ी हो जाती हूँ, और रोड पे खड़े होकर मैं मतलब आने जाने वाले लोगों को देख रही हूँ। तो मैं जैसे देख रही हूँ तो उसमें मैंने गुरु जी को देखा, मैंने उनको बहुत जोर से आवाज लगाई, गुरु जी ऐसे जोर से आवाज लगाई। और मेरे साथ अब ड्रीम में मेरी मम्मा भी है। मैंने बोला, मम्मा आपने देखा गुरु जी को? तो मम्मा कहते, नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो उसके बाद जैसे 2 सेकंड के बाद मैंने फिर से वही भीड़ में मैंने फिर से गुरुजी की ओर देखा, तो गुरुजी मुझे थोड़े आगे मतलब दिखाई दिए, जैसे वो थोड़े आगे बढ़ गए हैं। तो मैंने मम्मा को फिर से बोला, वो देखो गुरुजी, देखा आपने? तो मम्मा ने बोला हाँ। और गुरुजी ने मतलब मेरी ओर जैसे ऐसे ही चलते चलते पीछे की ओर ऐसे मेरे को देखा और मेरी ओर स्माइल पास की, और मैं मतलब बहुत खुश हुई। उसके आगे मैंने मतलब मेरा ड्रीम इतना ही मतलब मैंने देखा और मेरी आंख खुल गई, क्योंकि मॉर्निंग का ड्रीम था। उसके बाद ये, हाँ जी, ये मॉर्निंग का ड्रीम था। उसके बाद मैंने ये जो सत्संग है, मैंने सिर्फ दो ही संगत के साथ शेयर किया, एक मेरे मामा और एक है जो जन्नत द्वार की एडमिन है, दीपिका जैन, उनसे। तो उनसे शेयर किया, मैंने उनको बोला कि ऐसे मैंने ड्रीम देखा है, तो क्या इसका क्या मतलब है, क्योंकि मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है। तो मम्मा को जैसे फोन किया तो मम्मा ने बोला कि मैं अभी थोड़ी देर पहले सत्संग सुन रही थी जिसमें एक संगत ने बताया कि उसके साथ भी मतलब उसको भी ऐसे ही ड्रीम आया था, और मतलब संगत ने बोला कि गुरुजी ने उसके कोई कष्ट कटवाया है, मतलब जैसे जिस संगत ने ये ड्रीम देखा। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मतलब जैसे मामा से बात करके मैंने फोन रख दिया। उसके बाद यही सत्संग मैंने जो जन्नत बाग की एडमिन है, मैंने उनसे भी शेयर किया। तो उन्होंने क्या सत्संग, उन्होंने आगे से मुझे क्या बताया कि उन्होंने कल शाम को एक विजन देखा जिसमें उन्होंने जो स्नेक है वो देखा, वो कोबरा है। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ये मैंने क्या देखा। तो जैसे उनसे मैंने अपना सत्संग शेयर किया कि ऐसे मुझे मतलब ड्रीम आया है, तो उन्होंने बोला कि कल ऐसा मुझे विजन आया था और मुझे मतलब उन्होंने बताया कि गुरुजी ने आप लोगों की लाइफ को ब्लेस किया है। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी। तो अब ये तो गुरु ही जानते हैं ना कि हमें मतलब हम पर कौन सा कष्ट आने वाला है और उन्होंने कैसे कटवाया, ये हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि गुरु जी जानी जान है। वो जो करते हैं, हम लोग जो सोचते हैं और जो चाहते हैं, वो हमें उससे ज्यादा अच्छा देते हैं, हमें बहुत अच्छा वाला सोच कर देते हैं, हम लोगों को नहीं पता होता है। तो वो उनको जो पहले से पता होता है कि किसको क्या देना है,
तो गुरु महाराज ने जैसे मुझे ड्रीम दिखाया तो, और मुझे जैसे मम्मा और दीपिका ने मुझे बताया कि ऐसे मतलब कष्ट कटवाया है और लाइफ को ब्लेस किया है, मैंने कहा जय गुरु जी। तो उसके बाद मैंने जो गुरु जी को मैंने ड्रीम में जिस चोले में देखा था, जो उनको देखा वो टोमेटो रेड कलर का था, उसपे हल्की मतलब उसपे एम्ब्रॉयडरी थी, और वो मैंने स्वरूप अभी तक गुरु जी का नहीं देखा हुआ। तो मैंने ये भी दीपिका जैन से, जो दीपिका आंटी है उनसे शेयर किया कि मैंने वो अभी तक गुरु जी का उसमें स्वरूप नहीं देखा है। तो वो कहते अच्छा, ऐसे जैसे हमने उस दिन बात करी, अगले दिन जैसे जन्नत द्वारका मैं अमृत वेला अटेंड करती हूँ, तो अगले दिन जब मेरी आंख खुली, मतलब मैं अमृत वेला अटेंड करने के लिए बैठी, अब आप गुरु जी का देखिए, मैंने जब बोला कि मैंने कभी स्वरूप नहीं देखा, अगले दिन मैं क्या देखती हूँ मॉर्निंग में कि अमृत वेला में जन्नत द्वार पे जो सत्संग चल रहा है उसमें गुरु जी का जो स्वरूप है, उसमें गुरु जी ने वही चोला पहना हुआ है जो मैंने अपने ड्रीम में देखा। मैं इतनी खुश, मैंने कहा जय गुरु जी, और उसमें गुरु जी वैसे ही स्माइल कर रहे हैं जैसे उन्होंने मुझे अपने ड्रीम में दिखाया। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगा वो मतलब पूरा ड्रीम मेरी आंखों के सामने ऐसा लगा जैसे वो सच में, मतलब जैसे वो वीडियो चल रहा है मेरी आंखों के सामने। और मैं इतनी खुश कि मैंने मतलब अमृत वेला में ही जैसे वो चल रहा है, और मैंने उसके बीच में दीपिका आंटी को मैसेज करके बोला कि ये गुरु जी का वही स्वरूप है जो मैंने अपने ड्रीम में देखा, और गुरु जी इसमें स्माइल पास की थी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मैं इतनी खुश। और आप मानेंगे संगत जी, उस टाइम मेरे दिल से मतलब गुरु जी के लिए जो लाइन्स निकली, मैंने वो भी दीपिका आंटी को मतलब गाकर भेजी। मैंने कहा इसी टाइम मेरे मतलब दिल में गुरु जी के लिए ये लाइन्स आई है। अब ये नहीं मुझे पता कि मतलब क्यों खुशी से या जो भी। फिर उसके बाद मैंने मम्मा से भी ये बताया कि आज जन्नत द्वार के अमृत वेला में मतलब मुझे गुरु जी का वही चोले वाला स्वरूप दिखा जो मैंने ड्रीम में देखा था, और वो मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं हुआ था, और उसमें गुरु जी वैसे ही स्माइल कर रहे थे। तो उस टाइम मेरे माइंड में गुरु जी के लिए जो लाइन्स आई थी वो थी तेरी अखियां च नूर की ना सारा गलां च सुकून सी सजना मैनू लगया लगया मैनू लगया लगया मैनू लगया अल्लाह ने वाज मारी बुलाया मैनू तू सी सजना। तो उस टाइम मेरे दिल में मतलब गुरुजी के लिए यही लाइंस निकली संगत जी, और मैं इतनी खुश कि मतलब गुरुजी हर बात जानते हैं और हम लोगों की बात कितनी जल्दी सुन लेते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और मैं मतलब इस बात के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें इतना अच्छा संगत परिवार दिया है कि जैसे कि हमें जब भी जिसकी भी जरूरत पड़ती है मतलब मतलब वो संगत मतलब मतलब कैसे हेल्प करती है, गुरुजी उनको कैसे मैसेज देते हैं हम लोगों को खुद को नहीं पता होता। अब जैसे कि मैं आपको अपना एक और बताती हूँ कि जैसे मेरी सिस्टर है जलंधर में, काफी संगत उनको जानती है, वो उनका नाम है ममता अरोड़ा, वो जलंधर में है, और वो मतलब शब्द गुरबानी की व्याख्या करती है, बहुत ही अच्छी व्याख्या करती है। ये गुरुजी ने उनको ब्लेस किया हुआ है, क्योंकि संगत जी आप मानेंगे कि हम लोग बिल्कुल भी पंजाबी नहीं पढ़े हुए हैं, हम लोगों को पंजाबी आती नहीं है क्योंकि हम लोगों ने संस्कृत सब्जेक्ट लिया था और उसी में हम लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है, तीनों सिस्टर ने। हम लोगों को पंजाबी मतलब हम बोल लेते हैं, हमें पढ़नी लिखनी नहीं आती है। और वो शब्द गुरबानी की व्याख्या कैसे करने लग गई है, मतलब उनको गुरुजी मतलब वो कैसे करती हैं और वर्ड टू वर्ड उनको कैसे पता होती है, हम लोगों को नहीं पता। और ये गुरुजी ने उनको मतलब उनको सेवा भी बख्शी हुई है ये, और वो इतनी अच्छी व्याख्या करती है कि कई संगत मुझे फोन करके बोलती है कि मुझे इस शब्द की इस गुरबानी की मुझे व्याख्या चाहिए। जैसे मान लो अगर उनके पास ममता दीदी का नंबर नहीं है, ममता आंटी का, तो वो मुझे मैसेज करती है। और वाकई में मैं भी कई बार ऐसा होता है कोई कोई शब्द कि मुझे उसकी व्याख्या नहीं मालूम होती, तो मैं ये सोचती हूँ अब इसका जब तक मीनिंग मुझे नहीं पता लगेगा तो मुझे भी दीदी को मतलब उनसे बोलना पड़ता है कि दीदी मुझे इस शब्द की मुझे व्याख्या करके दो। और वाकई में वो बहुत अच्छी व्याख्या करती हैं, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करे। और संगत जी मैं अब आपको बताती हूँ कि हमारी संगत इतनी अच्छी है कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मतलब अब हम एक गुरु परिवार है, तो गुरु परिवार में जुड़ने के बाद हम लोगों को जैसे अब सत्संग में हमें लगता है कि दो तीन दिन हम लोगों ने किसी को सत्संग में नहीं देखा, जैसे अमृत वेला हो गया या और कोई सत्संग हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें हो गया, तो हम लोगों को ये होता है कि अगर दो चार दिन से कोई नहीं दिखा कि उनका हाल चाल ले लें,
या उस संगत को भी ऐसा लगता है कि जैसे नहीं है, या गुरुजी ने उनको कोई अगर मतलब रीजन दिखाया या कोई और रीजन है तो वो हम लोगों को फोन करे। अब देखिए ऐसा ही एक सत्संग है, मेरी बड़ी सिस्टर है जो ममता अरोड़ा, वो कुछ दिनों से ठीक नहीं है, उनको कोविड हो गया था और उनके पास उनके हस्बैंड के अलावा कोई भी नहीं है। अब हस्बैंड जो है उनके वो जॉब करते हैं और उनको खाना बिल्कुल नहीं आता। तो ममता दीदी जैसे उनको आपको पता है कोविड में वीकनेस इतनी ज्यादा होती है कि उठा भी नहीं जाता और उनका फीवर 103 104 इतना ही रहा है। तो उसमें क्या हुआ, अमिता आंटी ने ममता आंटी को फोन किया तो उनको पता चला कि उनको कोविड है। अमिता आंटी वो भी जालंधर से हैं और जहां पे ममता आंटी का घर उससे दूर रहती हैं, पर उन्होंने देखिए एक माँ वाली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, क्योंकि मेरी मम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं थी और वो मतलब दीदी के पास अभी नहीं आ सकते थे, तो तब तक अमिता आंटी ने पूरी माँ की तरह ममता दीदी का ममता आंटी का पूरा ध्यान रखा, उनके हर तरह से हर चीज से पूरी सेवा करी है। ये गुरुजी ने उनको सेवा बख्शी अमिता आंटी को, तो अमिता आंटी को मैं कहती हूँ कि गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें उनको और उनके पूरे परिवार को और हमारे पूरे संगत परिवार को भी ब्लेस करें, क्योंकि हमारा पूरा संगत परिवार इतना अच्छा है और सभी का नेचर इतना हेल्पिंग है ना, तो मतलब गुरु महाराज सभी को ब्लेस करें। तो मतलब जब तक मेरे मम्मा वहां नहीं पहुंचे हैं, अमिता आंटी ने पूरा माँ की तरह उनका ख्याल रखा और उनके पास आते भी रहे, जबकि आपको पता है कोविड पेशेंट के पास मतलब जल्दी से सब नहीं जाते हैं और वो आते रहे हैं, बराबर आते रहे हैं, उनका पूरी तरह से ध्यान रखते रहे हैं और बीच में मुझे भी फोन करते रहे हैं, मैं भी उनको फोन करके दीदी का हालचाल लेती रही हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे अभी मतलब छोटे हैं तो मैं उनके पास नहीं जा सकी और ममता दी ने खुद भी ममता आंटी ने कहा कि अभी नहीं आना, तो मम्मा फिर जब उनके पास गए तब भी अमिता आंटी उनके पास आते रहे। और ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा परिवार इतना अच्छा, मुझे दिल्ली से पूनम आशिमा आंटी ने ब्लेसिंग भिजवाई थी और ये अब इस बार मुझे वंदना आंटी ने भी ब्लेसिंग दी। तो गुरु परिवार मतलब इतना अच्छा, इतना अपनापन है ना, तो अब ऐसा लगता है कि मतलब संगत परिवार के अलावा मतलब ऐसा लगता है कि अपना कोई मतलब रिश्तेदार है ही नहीं, सारा जो रिश्तेदार है जो फैमिली है वो अपना गुरु परिवार ही है। क्योंकि जब गुरु परिवार को हम मतलब गुरु संगत को हम फोन करते हैं तो गुरु जी की बातें शुरू हो जाती हैं, तो हम लोग एक एक घंटा भी बात करते हैं। और ऐसे अगर किसी रिलेटिव से बात करनी हो तो सिर्फ हाल चाल पूछ के थोड़ी बात करके और फोन रख देते हैं, तो अब बस वही गुरु परिवार में मतलब मन लगता है, तो गुरु परिवार से अब हमारा कनेक्शन जुड़ गया है। तो गुरु महाराज सबको सारे संगत परिवार को स्वस्थ रखें, सुखी रखें और सबके परिवार हंसते बसते रहें। तो संगत जी यहाँ पे मैं अब एक गुरु जी के लिए भजन सुनाना चाहूंगी। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे चरणों में गुरुजी हमें मिल गया ठिकाना, हमें कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। संगत जी ये बिल्कुल सच भी है कि गुरुजी से जुड़ने से पहले हमें कोई भी नहीं जानता था, और जब से गुरु महाराज ने हमें अपनाया है तब से हमें गुरु संगत के नाम से जाना जाता है। हमें इस बात का बहुत फक्र है और बहुत नाज होता है कि हमें सब गुरु संगत के नाम से जानते हैं। तो आप भी साथ में साथ दीजिएगा। तेरा दर मिल गया हमको, तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरी रहमत पे पलते हैं, तेरी रहमत पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया हमको,
सहारा हो तो ऐसा हो कि किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे मेरे गुरुजी की चौखट मिली है, मुझे मेरे गुरुजी की चौखट मिली है। क्यों कहीं जाए किस्मत आजमाने के लिए, क्यों कहीं जाए किस्मत आजमाने के लिए। मेरे गुरुजी हैं मेरी बिगड़ी बनाने के लिए, मेरे गुरुजी हैं सबकी बिगड़ी बनाने के लिए। तेरा दर मिल गया हमको, तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरी रहमत पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो। जमाने में नहीं देखा कोई सरकार के जैसा, जमाने में नहीं देखा मेरे सरकार के जैसा, मेरे दिलदार के जैसा, मेरे सरकार के जैसा। हमें ये नाज है रहबर, हमें ये नाज है रहबर, हमारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो। दम निकले तेरी चौखट पर, मेरे गुरुजी मेरे रहबर। दम निकले तेरी चौखट पर, मेरे गुरुजी मेरे रहबर, मेरे गुरुजी मेरे रहबर, मेरे गुरुजी मेरे रहबर। रहे तू रूबरू मेरे, रहे तू रूबरू मेरे, नजारा हो तो ऐसा हो। रहे तू रूबरू मेरे, नजारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो। मेरी सांसों में बसती है तेरे ही नाम की खुशबू, मेरी सांसों में बसती है तेरे ही नाम की खुशबू, तेरे ही नाम की खुशबू, तेरे ही नाम की खुशबू। महक जाए हर एक मंजर, महक जाए हर एक मंजर, जिक्र जब भी तुम्हारा हो। महक जाए हर एक मंजर, जिक्र जब भी तुम्हारा हो। तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरी रहमत पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया हमको, सहारा हो तो ऐसा हो, सहारा हो तो ऐसा हो, सहारा हो तो ऐसा हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना।
तो संगत जी, आज मैंने आपको पहले ही बताया कि आज मेरा गला थोड़ा खराब है, तो बाकी सत्संग में संगत जी कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। और संगत जी, मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि मुझे ड्रीम आया था कि मेरी बेटी को एक ही लेग पर 3-4 बार स्नेक ने काटा था, तो ये ड्रीम आने के कुछ दिन बाद मैं पहले मतलब मुझे क्या हुआ मुझे भी नहीं पता कि जैसे ना मुझे फीवर, खांसी, जुकाम ऐसा कुछ भी नहीं था, पर मैं मतलब मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, मतलब जैसे मुझे नींद ही नींद जैसे आ रही और मेरे पूरी बॉडी में जैसे मतलब एक थकान सी मुझे लगे और मेरा उठने का मन ना करे, और मुझे इतनी नींद आ रही कि मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मतलब मैं दिन है या रात है, इतनी मुझे थकान हो रही थी। और ये मेरे साथ 4-5 दिन ऐसे ही रहा और मुझसे उठा ही नहीं गया। तो मतलब मेरे हस्बैंड, उन्होंने काफी कोऑपरेट किया, बच्चे संभाले, खाना वगैरह वो बना लेते हैं, तो मुझसे नहीं उठा गया। और जैसे मैं ठीक हुई तो मेरी बेटी, उसको फीवर हो गया और उसको फीवर 102-103। तो मैंने कहा गुरु महाराज, आप जानते हैं ये क्या हुआ है, कि मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था, कि वो बीपी डाउन हुआ था या सेल कम हुए थे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नॉर्मल जो डॉक्टर से मेडिसिन लेते वही ली, क्योंकि ना जब मुझे खांसी, जुकाम, फीवर कुछ भी नहीं है, तो बस वीकनेस इतनी ज्यादा कि उठा ही ना जाए, नींद इतनी ज्यादा आ रही थी। और उसके बाद जो बेटी को फीवर हुआ 102-103, जैसे वो दिन में उसका बुखार उतर जाना और रात में शाम होते उसका बुखार 102-103 ऐसे उसका बुखार चढ़ जाना, और मैंने उसको नॉर्मल पैरासिटामोल ही दिया, और उसके बाद मैंने गुरु महाराज जी का उसको जल प्रसाद दिया और गुरु महाराज जी का उसको चंदन तिलक मैंने उसके फोरहेड पे लगाया, जैसे उसको फीवर ज्यादा ना हो। और आपको पता ही है, हम चंदन तिलक हमारे लिए वो मतलब वही मेडिसिन का काम करता है, कि जैसे अब हमारा वो हाल हो गया कि कहीं पे अगर चोट लग गई है, स्वेलिंग हो गई है या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, तो हम गुरु महाराज का वो चंदन तिलक ही लगाते हैं। तो ऐसे मेरे बेटे को एक बार तो पहले मैं ये सत्संग कंप्लीट करती हूँ कि मेरी बेटी को ऐसे वो फीवर 2-3 दिन रहा और उसके बाद वो अपने आप ही उतर गया। तो हो सकता है वो जो गुरु महाराज जी ने मुझे ड्रीम दिखाया था और मुझे जैसे मम्मा ने और वो दीपिका आंटी ने बोला था कि गुरु जी ने आपका कष्ट कटवाया है और लाइफ को ब्लेस किया है, हो सकता है वो गुरु महाराज जी ने मुझे वो ड्रीम में वही दिखाया हो और गुरु महाराज जी ने वो हमारा कष्ट कटवा दिया हो। तो इसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही मेरे बेटे को एक इंसेक्ट काटा था, वो मतलब उसको कुछ लोग ततैया बोलते हैं, वो एक्चुअली वो रेड और येलो कलर का होता है, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, तो वो जब काटता है तो उसके बाद फीवर हो जाता है, मतलब वो फीवर होता जरूर है, तो वो काट के वो उड़ गया और हमें नहीं पता लगा उसको क्या काटा है। तो वो मेरे पास रोता हुआ आया, मैंने पूछा क्या काटा है, तो मेरी बेटी ने बताया कि ऐसे वो काट गया है, तो उसका डंक मतलब मुझे दिखा कि हाँ यहाँ पे, अब मुझे तो पता नहीं था कि क्या करना है, तो और कुछ तो समझ नहीं आया संगत जी, मैंने वहां पर गुरु जी का चंदन टीका ही लगा दिया। और आप ये देखिए, चंदन टीका लगा दी, मेरे बेटे को भी मतलब अभी यही होता, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती, पेट दर्द हो गया, फोरहेड में पेन हो गया, मतलब हेडेक हो गया, तो उन्होंने यही कहना कि मम्मा गुरु जी का चंदन टीका लगा दो, मेरे बेटे को तो यही आदत है, तो उसने बोला मम्मा यहाँ पे आप चंदन टीका लगाओ, तो मैंने उसको वही लगाया। और आप ये देखिए, उसके बाद उसको ना फीवर हुआ ना वहां पे स्वेलिंग आई और वो बिल्कुल नॉर्मल, मतलब शाम तक वो बिल्कुल ठीक था। और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, जबकि उसके बाद वो कहते हैं 2-3 दिन तक फीवर रहता है। और संगत जी, इसके बाद मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ, जो कि मुझे ये ड्रीम परसों आया है, और ये जो ड्रीम आया मुझे इवनिंग में आया है, और ये भी ड्रीम मैंने 2-3 संगत के साथ शेयर किया है, वो संगत अगर वो देख रही है इस टाइम तो उनको पता होगा। तो मुझे इवनिंग में 4:30 से 5 के बीच में ड्रीम आया, मैं मतलब सो रही थी, मुझे ड्रीम आया कि मुझे किसी संगत ने, किसी संगत आंटी का बताया कि उनका सत्संग मतलब बहुत अच्छा है, आप जरूर सुनना। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने उन आंटी को कॉल किया जिनका सत्संग सुनने के लिए उन्होंने मैंने उनको कॉल किया, उन आंटी को जय गुरु जी की, उन्होंने जय गुरु जी की, उसके बाद मतलब उन्होंने कुछ अच्छा सा मतलब मुझे रिप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं की, तो मुझे अच्छा सा नहीं लगा, और उन्होंने फोन अपने अंकल को दे दिया, मतलब ये ड्रीम में। और तो उन अंकल ने मतलब कुछ भी मुझे मतलब कुछ बात नहीं करी, वो हस्बैंड वाइफ आपस में कुछ बोल रहे हैं और मुझे नहीं मतलब पता वो क्या बोले जा रहे हैं, बस इतना पता है वो आपस में कुछ बोले जा रहे हैं, और उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मेरा मतलब मूड इतना खराब हो गया कि मैंने कहा ये कैसे, मतलब मैं अपने मन में ही कह रही हूँ ये कैसे गुरु संगत है, कि गुरु संगत तो ऐसी नहीं होती है, गुरु संगत तो इतनी अच्छी होती है, ये कैसे गुरु संगत है, ऐसा सोच के मतलब मेरा मन उदास सा हो गया। उसके बाद मैं ड्रीम में क्या देख रही हूँ कि
मैं गुरु महाराज जी का इतना ही बड़ा स्वरूप है वो, मतलब उसमें गुरु जी ने चोला दूसरा पहना हुआ है, इतना ही बड़ा वो स्वरूप है और मैं गुरु जी का मतलब स्वरूप को साफ कर रही हूँ, किसी कपड़े से साफ कर रही हूँ। और जैसे मैं गुरु महाराज जी का स्वरूप साफ कर रही हूँ तो मैंने ऐसे, जैसे वो ऐसे पकड़ा हुआ है ऐसे साफ करते हैं, तो मैं ऐसे करके देख रही हूँ तो उसने गुरु महाराज अपनी आंखें झपका रहे हैं जैसे हम लोग झपकाते हैं। मैंने एक बार देखा, फिर मैंने उसको ध्यान से देखा तो उसमें गुरु महाराज आंखें झपका रहे हैं। तो इस ड्रीम में भी मम्मा मेरे साथ है। मैं अपनी मम्मा को बोलती, मैंने कहा मम्मा आपने देखा कि गुरु महाराज ऐसे आंखें झपका रहे हैं? तो उन्होंने भी फिर स्वरूप को देखा, उन्होंने कहा हाँ झपका रहे हैं। इतना ही ड्रीम देखा और उसके बाद जैसे आंख खुली तो मतलब मैसेज आया कि वर्षांति का लाइव सत्संग आ रहा है, तो मैंने उसके बाद वो ज्वाइन कर लिया। तो जैसे उनका सत्संग खत्म हुआ मैंने अपनी मम्मा को फोन किया कि मुझे ऐसे ड्रीम आया, तो मम्मा कहते अच्छा। मैंने कहा अब इसका क्या मतलब हो सकता है? उसके बाद फिर वही कि मैंने दीपिका आंटी को फोन किया जो जन्नत द्वार की एडमिन है। मतलब मुझे ऐसा होता है जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो मैं उनको फोन करती हूँ, और वो भी गुरु महाराज की इतनी अच्छी सेवादार हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि हाँ इसका भी कोई मतलब है। उन्होंने बोला एक्चुअली ये जो आपको गुरु महाराज ने दिखाया ये मेरे लिए मैसेज था, वो 2-3 दिन से किसी कंफ्यूजन में थी, ये उनके लिए मैसेज था। तो ये तो अब गुरु महाराज जानते हैं कि किसको कैसे आंसर देना है, किसके थ्रू देना है। मतलब गुरु महाराज तो हम लोगों को सिर्फ मीडियम बनाते हैं। तो कहते हैं ना कि हर सत्संग में किसी ना किसी के लिए कोई मैसेज होता है, तो ये गुरु महाराज जी को मतलब पता है। और ये संगत वही संगत जानती है जिसको उसका आंसर मिलता है, और इतना पता है कि किसी ना किसी संगत को उसका जवाब जरूर मिलता है सत्संग में। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अपना सत्संग शेयर करो, क्योंकि सत्संग शेयर करने से सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। गुरु जी सबका ही कल्याण करते हैं, क्योंकि जो हमारे गुरु महाराज हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही भोले भाले, बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे गुरु जी हैं। और वैसे ही आगे से गुरु महाराज की संगत है, प्यारी प्यारी संगत है। और तो ऐसे फिर उन्होंने जैसे बताया कि ये मेरे लिए मैसेज था, मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे मीडियम बनाया। तो उन्होंने बोला कि मुझे अपना आंसर मिल गया। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ओके। तो फिर ये था मतलब ये उस ड्रीम का, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था ना कि वो किसके लिए है। तो अब देखिए हम लोगों को जैसे ड्रीम आता है तो हम लोगों ने किससे वो शेयर करना है ये गुरु महाराज को पहले से पता था। देखिए वरना मैंने सिर्फ अपनी मम्मा से शेयर किया और सिर्फ दीपिका आंटी से ही वो शेयर किया। अब आप देखिए मतलब हमारा ऐसा होता है कि मुझे, मेरी सिस्टर को या मेरी छोटी सिस्टर को जब भी कोई ड्रीम आता है उसमें मेरे मम्मा जरूर होते हैं साथ में। और मुझे यही एक संगत ने बोला कि आप जब भी कोई ड्रीम देखते हो, क्योंकि जैसे मैंने अपना सत्संग शेयर किया था लास्ट टाइम भी वो होली वाला, तो उसमें भी मतलब मम्मा ही थे साथ में। इस बार भी जो मैंने ड्रीम देखे दो उसमें भी मम्मा साथ में थे। तो वो संगत कहती है आप जो भी ड्रीम देखते हो उसमें आपके मम्मा साथ में होते। मैंने कहा वो हो सकता है इसलिए कि गुरु महाराज से मेरी मम्मा ने ही हम तीनों सिस्टर को जोड़ा है, और गुरु महाराज उनको भी ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज उनको बहुत बहुत ब्लेस करे कि उन्होंने हमें साथ में जोड़ा, और उनको मेरी मासी जी ने जोड़ा तो गुरु महाराज उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करें। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं ना कि जो मेरे पास मतलब संगत को लेकर आता है जोड़ने के लिए, तो मैं सबसे पहले उसी को ब्लेस करता हूँ जो लेकर आए हैं। तो वैसे तो गुरु महाराज सबका ही कल्याण करते हैं। तो संगत जी मैं आपसे एक और चीज बताती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे परसों से ही मतलब यहाँ पे मतलब जैसे काफी आंधी और बारिश हुई थी, काफी आंधी आई थी, तो यहाँ पर लाइट परसों रात को बिल्कुल नहीं थी और कल शाम तक लाइट नहीं आई। तो मैं वही सोची थी, मैंने कहा गुरु महाराज मेरा कल है सत्संग और यहाँ पे बोला गया मतलब बताया गया कि 3 दिन तक लाइट नहीं आनी है। अब मैं इतनी मतलब सोच रही हूँ कि गुरु महाराज मैंने सत्संग करना है, लाइट अगर 3 दिन तक नहीं आई तो मैं सत्संग कैसे करूंगी? तो फिर मैंने कहा अब आप ही जानो, क्योंकि आपने कहा है कि सत्संग से सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण, अब आपने कल्याण कैसे करना है वो आप जानो। तो उसके बाद रात को 10-10:30 बजे लाइट आ गई, पर सारी रात में लाइट का यही रहा कि आ गई चली गई, आ गई चली गई, ऐसे ही हम परेशान रहे। और क्योंकि आपको पता है इन्वर्टर भी मतलब उसकी बैटरी भी खत्म हो गई। तो फिर सुबह जाकर लाइट आई और उसमें भी आज शाम से लाइट गई हुई है और अभी तक लाइट नहीं आई है। तो मैं उस टाइम वही सोच रही थी, मैंने कहा गुरु महाराज अगर लाइट चली गई तो मैं सत्संग कैसे करूंगी? तो वैसे तो मतलब यहाँ पे गुरु संगत है, उन्होंने बोला कि अगर आपके वहां पर दिक्कत होगी तो आप यहाँ पर गुरु महाराज जी का दरबार बना हुआ है, आप यहाँ से लाइव कर लेना। पर
मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी, आज बोला मैंने कहा गुरुजी अगर मैंने सत्संग करना है, मैंने यहीं से करना है, अपने घर से करना है, यहीं से करना है। तो वैसे तो उन संगत ने मुझे बोल रखा था कि आप यहाँ से कर लेना, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। पर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आपकी बेटी ने यहीं से लाइव करना है। तो देखिए आप, जैसे लाइट नहीं है पर इन्वर्टर चल रहा है। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। और बाकी गुरु महाराज जी सब पे मेहर करें, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो संगत जी, मैंने जैसे हम लोगों ने, मतलब मैंने बोला था कि हम लोग जो पिछले सत्संग में मैंने बोला था, जब वर्षा आंटी का सत्संग हुआ था, उन्होंने लाइव करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग लाइव सत्संग करेंगे जिसमें सिर्फ भजन और शब्द वगैरह गाएंगे। तो संगत जी मैं आपको बता दूं कि हमने वो करना है, पर अब वो जैसे अब दीदी ठीक नहीं है, उनको रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो जब थोड़ा जैसे ही थोड़ी वो ठीक होती हैं, तो हम वो सत्संग जरूर करेंगे और वर्षा आंटी के पेज पर ही करेंगे, और पहले हम वहां पर ही करेंगे। तो गुरु महाराज ममता आंटी को जल्दी से ब्लेस करें, उनको जल्दी से स्वस्थ करें, तो उसके बाद हम पहले वहां पर गुरु महाराज जी का शब्द गुणगान करेंगे, एक भजन संध्या टाइप करेंगे, और उसके बाद फिर गुरु महाराज जहां चाहेंगे, जहां वो हुक्म करेंगे, फिर वहां पर भी हम शब्द गुणगान जरूर करेंगे गुरु महाराज जी का। तो संगत जी यहाँ पे मैं अपना सत्संग मतलब समाप्त करती हूँ एक शुक्राने के साथ, तो आप लोग भी प्लीज साथ दीजिएगा। गुरु जी शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है, गुरु जी शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, गुरु जी शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है, कभी हम भूल नहीं सकते गुरु जी बरकते तेरी, कभी हम भूल नहीं सकते गुरु जी बरकते तेरी, दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है, दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, गुरु जी शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है, मेरी जो सरफरोशी है वो तेरी मेहरबानी है, मेरी जो सरफरोशी है वो तेरी मेहरबानी है, तेरे रहमो कर्म का गुरु जी किसने भेद पाया है, तेरे रहमो कर्म का गुरु जी किसने भेद पाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, गुरु जी शुक्र है तेरे।
सभी ने दिखाया है अपनी सारी संगत पर सदा नजर रे करम रखना अपनी सारी संगत पर सदा नजरे करम रखना कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है गुरु जी शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है गुरु जी शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। और सच में गुरु जी, मैं यही अरदास करती हूँ कि सब संगत और उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, जैसे अब तक हम लोगों को, हम सब संगत को आपने संभाल कर रखा है, हम पर अपनी कृपा बनाए रखी है, आगे भी आप ऐसे ही सब पर अपनी कृपा, अपनी मेहर सब पर बनाए रखिएगा, अपनी दया दृष्टि सब पर बनाए रखिएगा गुरु महाराज, सबको अपनी छत्र छाया में रखिएगा। और जो संगत नहीं जुड़ी है उनको भी अपने साथ जुड़िएगा गुरु महाराज, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। तो गुरु महाराज जी से और अपनी प्यारी प्यारी संगत से माफी मांगना चाहूंगी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो या मेरी कोई बात का कुछ मतलब कुछ भी अगर बुरा लगा हो तो प्लीज मैं हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगी अगर मुझसे कोई गलती भी हो गई हो। और गुरु महाराज प्लीज अगर मुझसे कोई गलती होगी मुझे अपनी नादान बच्ची समझकर माफ कर दीजिएगा। तो संगत जी, हम फिर से जब गुरु महाराज जी का हुक्म होगा जल्दी से हम फिर से लाइव मिलेंगे। तो आप सभी संगत का साथ जुड़ने का और इतना प्यार देने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्राना, सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि सभी संगत गुरु महाराज की इतनी प्यारी संगत है। पूरे परिवार है हमारा, एक गुरु परिवार है, बहुत प्यारा और बहुत बड़ा गुरु परिवार है। तो सभी प्यारे गुरु परिवार को हाथ जोड़कर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।